वाले हैं। मैं शिवम है नाम, और मैं परशुराम नगर अम्बाला सिटी से हूँ। और वो इस बार क्या लगता है, किसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, सरकार की बात करें तो सरकार तो सेंटर में तो भाजपा की ही बनेगी। वैसे जो हम स्टेट की बात करें हरियाणा में, या फिर हम अम्बाला की बात करें, तो रतन लाल कटारिया जो भाजपा के हैं, इनको तो कोई वोट नहीं डाल रहा है, कोई भी नहीं। और रही बात युवा की, क्योंकि इन्होंने ना रोज़गार दिए ना कुछ, मतलब अम्बाला में कोई काम नहीं करा इन्होंने किसी भी तरह का कोई काम, ठीक है, कोई सड़क का काम नहीं करा, कोई कुछ नहीं काम करा, ना इन्होंने संसद में रतन लाल कटारिया ने कोई बात रखी किसी भी तरह की अम्बाला को लेकर, कोई भी मुद्दे हैं जैसे कोई भी किसी तरह के। और आप देख सकते हैं जहाँ भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है चारों तरफ, आपने देखा ही है, ठीक है। और हम भी मतलब इनको युवा इसको वोट यहाँ पे रतन लाल कटारिया को नहीं दे रहे हैं। कुमारी शैलजा का कैसे देखते हैं आप यहाँ से? कुमारी शैलजा जो है पहले भी रह चुकी हैं सांसद अम्बाला से, और लोगों का विश्वास अब दोबारा फिर है उनके पास, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वही जीतेंगे दोबारा फिर। थैंक यू। अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुंदर से रहने वाली हूँ, एसपी ऑफिस में मेरी अप्रेंटिस है और हम वहाँ पे जॉब कर रहे थे अभी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, जो बच्चे अप्रेंटिस पे लगे हुए हैं उनको जॉब परमानेंट होना चाहिए उन्हें। तो मैम, इस बार इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या देखते हैं आपकी, कौन जीतने वाला है, कौन हार रहा है? देखो सर, वो तो डिपेंड होता है वोट के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर। किसकी पॉलिसीज अच्छी लगती हैं आपको? मोदी सर। मोदी की कौन सी पॉलिसीज अच्छी लग रही हैं आपको? सर, जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल किए हैं, जो एजुकेशन पे उन्होंने वोट दिया है, उसके लिए सब बेस्ट है उनका। के रहने वाले? मेरा नाम विक्रम है, गांव धनौड़ी है, जिला अम्बाला है। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं जी, क्या कर रहा है, इस टाइम मैं सिविल में खड़ा जी, यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, मरीज का पूरी तरह इलाज नहीं करते हैं, मैं परेशान करा, पीछा फिरना पड़ा जी इनके पास, जहाँ तो इन्हें बस झिड़क सी दे एक बार तो बंदे ने समझते नहीं कुछ हैं जी, बहुत दिक्कत है, बस आप समझ रहे हो हमारी भी बात को। तो आपको क्या लगता है यहाँ से कटारिया ने अच्छा काम किया है, शैलजा ने किया? देखो जी, इसमें तो जी किसी के यहाँ इनके सिर्फ कुछ कह सकते किसी के बारे में, देखो जी बात तो। आप किसको वोट डालेंगे? आप किसको वोट डालेंगे? जो हमको अच्छा लगेगा, जो अच्छे काम करेगा उसी को वोट डालेंगे। फिर भी अच्छा कौन लगता है आपको, मोदी पसंद है, राहुल गांधी है, कौन है? देखो जी, अब मोदी सरकार ने वैसे तो सुविधा अच्छी कर रखी है, ठीक है सिस्टम। तो अम्बाला से कौन जीत रहा है? अम्बाला से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जो गरीब हाँ उनकी कम से कम सिलाई कम होती है, जो हम जैसे हम कष्टी के हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं उनकी कोई सुनाई पे नहीं है, हमारी जात क्यों ऐसी है, ऐसी करता है, इस करके हम ये चाहें कि हमारी सुनाई करे, हमारे बच्चे ने कोई कम दिलाए। इस बार कौन जीत रहा है, किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट करने हम तो हर एक को वोट जिताते हैं, हम ऐसी जगह के जिताते हैं कि हमारे बच्चों को कोई। इस बार क्या लगता है, आपने हर बार डाला, इस बार किसको डालने की सोच रहे हैं? ये मैं ऐसा सोच रही भी, जैसे कोई हमारे कोई सुने ऐसे वोट डालते तो कौन सुनने वाला आपकी, जिसका आप सोच? बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन इस बारे में? तो जी मेरे को पता नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं। ठीक है, इनके इस बार किसको वोट करेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? बीजेपी को क्यों करेंगे, क्या कुछ अच्छा किया बीजेपी ने? बीजेपी ने काफ़ी काम किया, जैसे GST डलाया और जो हमारे शहर में टैले वगैरह लग गया और नोटबंदी से भी काले धन का फायदा हुआ। अच्छा, हम टैक्स तो गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, गवर्नमेंट इसी से काम करेगी। मोदी और राहुल गांधी में किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मोदी जी। अच्छा, पहली बार बीजेपी को वोट कर रहे हैं, फिर ट्रेडिशनली बीजेपी। एक बार अपना नाम बताइएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और हम क्या कुछ इश्यूज हैं इस इलेक्शन को लेकर, आपकी क्या कुछ सोचते हैं इलेक्शन के बारे में? अभी तो क्या वोट डालें सर, अभी गाँव में देखो जाके क्या बुरा हाल है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल ऐसे ही हैं, बुरे हैं, और वहाँ पर 10th तक भी नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दिक्कत प्रॉब्लम्स होती है, माँ बाप देखते नहीं, देखते मम्मी डैडी किसी के, तो प्रॉब्लम तो होती है ना। तो सरकार को होना चाहिए कि थोड़ा बढ़ाए, गाँव में करे कुछ, तो फिर बाहर ही करते हैं जो भी करते हैं सरकार, गाँव में तो कुछ भी। एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार ने कितना क्या कुछ काम किया है? किया होगा सर, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हमारे गांव में जो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, बाहर किया होगा जो भी। क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके गांव में? गांव में दिक्कतें बहुत हैं, वहाँ पर सिविल जैसे बड़े हैं, खुले हैं, ओपन हैं, और
प्राइमरी स्कूल भी अब तक पाँचवीं तक के हमारे गाँव में आगे नहीं बढ़ा, पोलिस वगैरह कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक स्पोर्ट भी इतनी वो हो रही है कि स्पोर्ट तक भी कुछ नहीं है वहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी हैं? ठीक क्या वैसे सर? तो इस बार आप किसको वोट करना चाहेंगे? अभी तो देखते हैं सर, देखेंगे वोट। फिर आपको क्या लगता है, रतनलाल कटारिया बेटर हैं या कुमारी शैलजा हैं? जहाँ तक तो लगता है सर, शैलजा कुमार ठीक है, उन्होंने किया है थोड़ा बहुत, इंदिरा गांधी ने उन्होंने किया है। करती है ना आजकल। ठीक है, नाम बताओ। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? अशोक कुमार नाम है मेरा, प्रेमनगर का रहने वाला जी। इस बार क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे आपको? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या समस्याएं आ रही हैं आम तौर पर? समस्या तो ठीक है, पर हमारे को थोड़ा तंग किया जाता है रेडियो फड़ी वालों को जी। कभी कमेटी वाले आते हैं, कभी अंदर वाले आते हैं, सब। तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमा के खा रहा हो तो कमा के खाने दो ना उसको। एक एक्ट बना था कि रेडी फ्री वालों को जो है वो प्रॉपर प्लेस जो है, प्रॉपर जगह जो अलॉट की जाएगी, उसका एक प्रॉपर तरीके से एक एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो वो यहाँ पे जो है लागू हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, कभी ना कभी तंग करने आए जाते हैं जी। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर जो है आप वोट डालने वाले? तो मुद्दा गरीब आदमी तो वही रोजगार ही रहता है, रोजगार रहे तो सब कुछ ठीक है जी। तो किसको कौन किस तरफ रुझान लग रहा है, किस तरफ जो है? वोट मोदी को जाएगी। वोट मोदी को जाएगी, ठीक है। बताइए और क्या, कहाँ से? माय नेम इज सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम क्या कुछ लगता है इस बार क्या कुछ इश्यूज होंगे इलेक्शन में? सर ये तो अभी कुछ नहीं बता सकते, बट इलेक्शन होते हैं सर, वो मानते हैं और सभी शर्तें भी रखते हैं। उस टाइम में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट सब कुछ शर्तों रखने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। हमें तो कुछ ऐसा लगता है सर कि कुछ ऐसा हो रहा है। अभी तक कौन सी सरकार आपके हिसाब से ठीक काम की? हमारे गांव में तो काम तो जो सरकार हमारी है अभी ठीक ही कर रही है, जितना भी है ठीक है, बट जहाँ कर रही होगी सर कर रही होगी प्रदेशों में हमारे लिए, जैसे हम छोटे शहरों के रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं, हमारे लिए तो वही प्रॉब्लम में क्रिएट है सर। आपकी सर क्या कुछ होना चाहिए? हमारी तरफ से सर देखो, कोई भी है गांव का, कोई भी आम आदमी है ये सोचेगा, छोटे शहरों के लोग सोचेंगे कि हमारे शहर में ये हो वो हो। अब जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम सिटी के, बट गांव से बिलोंग करते हैं सर, तो जैसे स्कूल है, बच्चा हमारे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, छोटे स्कूल है, या कोई भी धर्मशाला है या कुछ भी चीज़ है हमारे गाँव के अंदर, रोड है, सीवेज लाइन है, सारा कुछ आधा अधूरा रहता है सब। ऐसे सभी शर्तों के बावजूद है कि अब हमारे में देख लो आप कितना गलत है। मम्मी एमपी ने कितना काम किया जो सिटिंग एमपी है रतनलाल कटारिया ने अपने 5 साल के दौरान? बस सर किए तो है, इन्होंने काम किए होंगे जहाँ पे किए होंगे, हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक।